कि मेरे भगवान मेरे नारायण बहुत क्रोध में हैं, आगे बढ़कर के अपने छोटे छोटे हाथों को उनके पैरों पर रख दिया। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को अपने पैरों में देखा तो झपट के गोद में उठा लिया और कहा, बेटा मेरे भक्तों के लिए जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में होती है। मेरे लाल, तुमने मेरे प्रति जिंदगी और मौत से खेला है, बेटा तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिए। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी जो बेटा अपने पिता की गोद में हो भला उसे क्या चाहिए। भगवान कहने लगे, हिरण्यकश्यप तुम्हारा पिता था, मैंने उसे मार दिया, बेटा मुझे माफ कर देना। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु जो जिस लायक होता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना उचित होता है, तुमने मेरे पिता को मारा नहीं है बल्कि तार दिया है। भगवान कहने लगे, ठीक है बेटा अब मैं जा रहा हूँ, अभी तुम राज्य करो, जब तुम मेरे पास आना तो मैं तुम्हें बहुत ऊंचा दर्जा दूंगा और एक मैं वचन दे रहा हूँ, एक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन की कहानी एक इतिहास बन करके रह जाएगी।